यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स पावर फाइव ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जी एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, देन द वैल्यू ऑफ जी माइनस वन, मतलब इस पूरे का जो इंटीग्रल हो उसको जी एक्स निकलेगा और उसमें एक्स के प्लेस पे माइनस वन पुट करके आपको आंसर देना है। क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सिंपल क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। एक्स पावर फाइव को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। एडवांटेज एक्स स्क्वायर को थोड़ी सी स्टेप कम हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर को टी माना, टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी एक्स डी एक्स की वैल्यू वन बाय टू आ गई। तो आप ऐसा बोल सकते हैं वन बाय टू टी स्क्वायर ई पावर माइनस टी डी टी। अब याद रखना इसमें मिस्टेक होने के बहुत चांस रहते हैं क्योंकि ई पावर माइनस है। अब सेम आईलेट से करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, वन बाय टू बाहर रहने दीजिए, इसका इंटीग्रल माइनस होगा टी स्क्वायर ऐसे ही रहा। अच्छा, यहां पर माइनस इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन आएगा तो आप ऐसा लिखोगे माइनस माइनस प्लस टू टी ई पावर माइनस टी डी टी। अब जब इसको आप फिर करेंगे तो उस समय ध्यान रखना है वन बाय टू माइनस ई पावर माइनस टी टी स्क्वायर, यहां पर आएगा माइनस ऑफ टू टी ई पावर माइनस टी। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको एक तरह से ऐसा मिलेगा, लॉजिकली देखें तो टू ई पावर माइनस टी डी टी। कहीं मिस्टेक हो रही तो मैं हमेशा बोलता हूं लिख लो, मिस्टेक नहीं हो रही हो मतलब हमें समझ में आने लगता है, प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लो आप, आपको समझ में आ जाए कि किस स्टेप पे आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। अब देखिए आप करेंगे तो वन बाय टू माइनस ई पावर माइनस टी टी स्क्वायर माइनस टू टी ई पावर माइनस टी, फिर करेंगे तो माइनस टू ई पावर माइनस टी। तो लॉजिकली हम चाहें तो ई पावर, बल्कि माइनस भी बाहर ले सकते हैं, बल्कि ई पावर माइनस टी बाहर ले लीजिए तो आपको मिला माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस टू अपॉन टू। अब टी का वैल्यू डालना मत भूलिएगा, नहीं तो आपसे यहां पे टी रखा माइनस वन तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर तो ये माइनस एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू। अब ये पूरा जी एक्स है, इसमें अगर आप क्या पुट कर दो इस जी एक्स में माइनस वन यहीं कहीं कर दें तो माइनस वन माइनस टू अपॉन टू यानी माइनस फाइव बाय टू, दिस इज द राइट आंसर। अगर आपने गलती से टी की जगह यहां माइनस वन लिख दिया तो सब गड़बड़ होने वाली है। छोटी चीजें जिन पे ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन कोई टफ नहीं था इस पेपर के, कंपेयर टू शीट टू देखें तो काफी इजी पेपर था, इजीली मैनेज हो सकते थे क्वेश्चन। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स इज, अब इसका आपको सॉल्यूशन बताना है क्या होगा देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले अगर हम समझें तो लीनियर इक्वेशन है, हर एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं तो एक स्टेप में आप बोल सकते हैं sec x कैसे, ई पावर इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स, हर पेपर में क्वेश्चन आया तो ई पावर लॉग sec x, देन फाइनली ये मिल गया sec x। इसका मतलब सॉल्यूशन हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, यानी आप ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर टेन एक्स sec x प्लस टू एक्स sec x। अब समझिएगा इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, प्लस c तो हर जगह जुड़ते ही है। यहां पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और टेन एक्स sec x का इंटीग्रल sec x होगा जिससे अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। यानी आप थोड़े कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गए तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती। देखिए एक्स स्क्वायर टेन एक्स sec x dx प्लस टू एक्स sec x dx, इसको नहीं डिस्टर्ब करना, केवल इसी को पूछना, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माना तो देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर टेन एक्स sec x का इंटीग्रल होता है sec x प्लस इसका डिफरेंशिएशन हुआ 2x, ये sec x, अच्छा माइनस आएगा dx प्लस ऑफ 2x। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, कई बार इसमें उलझ सकते थे, कैंसिल, तो लॉजिकली मिला y sec x इक्वल टू एक्स स्क्वायर sec x प्लस ऑफ c। अब चाहो तो sec x का डिवाइड कर सकते हो, तो ऐसा भी मिल सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c cos x, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c cos x, दिस इज द राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट कॉमन टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर रूट टू एक्स इज,
y equal to minus ax plus c, then the value of c. अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सर्कल दिया है। अगर अब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अगर याद रखते हैं तो बहुत टाइम सेव होता है। इसकी कंडीशन होती है c इक्वल टू ए स्क्वायर, देखिए इंटू रूट सी स्क्वायर लिख सकते हो चाहो तो, या ए रूट, देखिए ऐसा होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, या भी बोल सकते हैं सी इक्वल टू ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये सर्कल की कंडीशन होती है। और पैराबोला अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स हो और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो तो सी इक्वल टू होता है ए बाय एम। अगर ये डायरेक्ट आपको याद होंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। अब अगर हम सर्कल के साथ देखें तो समझिए, अब आपको y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी दिया हुआ है, c का ही वैल्यू पूछा है, वो भी मॉड c का पूछा है। सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैं इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इस वाले की लिखूंगा तो y इक्वल टू समझिए एम एक्स प्लस ए वाई एम, ए कितना है रूट टू बाय एम ए बाय एम, राइट। y प्लस रूट टू बाय एम। अब ऐसे ही अगर मैं इस तो मैं लिखता, देखिए इसके साथ अगर लिख रहा होता c की वैल्यू तो लिखता मैं कितना a, a की वैल्यू है इसमें, a मतलब होता है यहां पर सर्कल का रेडियस, तो 1 है रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और आप ऐसा बोलते हैं कि दोनों के कांस्टेंट सेम होंगे, रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू रूट टू बाय एम, इसका मतलब 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 2 बाय एम स्क्वायर, या ऐसा भी बोल सकते हैं एम फोर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस, अब देखो इसके फैक्टर बनाओगे तो यही बनेंगे एम फोर प्लस 2 एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। एम स्क्वायर कॉमन लिया तो एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो एम स्क्वायर प्लस 2, अब इसके इमेजिनरी आ गए तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट। अब m की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 आ गई तो इसका मतलब c मॉड में पूछा है तो c की वैल्यू कितनी आ गई रूट 2। वैसे c यही समझ में, पर एक कॉन्फिडेंस के लिए आप कर सकते हो इसको सॉल्व आगे की, अगर करना चाहो आपने इस सर्कल का c और इसका c निकाला, दोनों की वैल्यू इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों की लाइन सेम है, तो रूट 1 प्लस एम स्क्वायर को 2 बाय रूट एम से कंपेयर करके m निकाला प्लस माइनस 1, तो यहां पर इक्वेशन में प्लस माइनस 1 आएगा, पर आपसे मॉड सी पूछा है तो आप ऐसा में लिखते आप मान लो प्लस माइनस 1 भी तो भी इसका मॉड लेते तो कितना होता रूट ऑफ 2, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू 2 पावर x एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखने पे एक फायदा यह हुआ कि इस कर्व का फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, यानी पॉजिटिव पार्ट ही लेना है। सबसे पहले अगर हम लॉजिकली समझें तो 2 पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल कर्व जैसा होगा, ये हो गया, राइट। और अगर इसको हम ऐसा ले लें y इक्वल टू x प्लस 1, तो लॉजिकली देखें तो माइनस x प्लस y इक्वल टू 1, यानी x पर कितना इंटरसेप्ट लाइन का और y पे कितना है 1, वैल्यू 0 रखने पे y 1 मिलता, तो कुछ इस तरह से ये कट करता जा रहा होगा कर्व। तो आपको केवल ये वाले पार्ट का एरिया बताना है, लॉजिकली समझिए। तो यहां पर एक परपेंडिकुलर डालो तो इस लाइन के एरिया में से ये एम्प्टी एरिया माइनस कर दीजिए, हो जाएगा ये 0 हो गया। अब ये किस पॉइंट पे मीट करता है वो देख लीजिए, इससे पता चलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर x, यानी अगर मैं लॉग ले लूं तो लॉग ऑफ x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैं x की जगह सपोज 0 रख दूं, सपोज 0 रख दूं तो 1 2 पावर 0 1, तो एक तो वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू 1 हो सकती है। कैसे, थोड़ा सा लॉजिक से देखिए, 1 प्लस 1 कितना 2 और 2 की पावर 1 2, तो यानी इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1 कॉमा 0, बस हो गया। तो अब 0 से 1 में लाइन को इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस 0 से 1 में 2 पावर x को इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x माइनस ऑफ 2 पावर x अपॉन लॉग 2 0 से 1। अब 1 रखेंगे तो 1 बाय 2 प्लस 1 यानी 3 बाय 2 माइनस 2 अपॉन लॉग 2, 0 रखा तो कितना हो जाएगा 2 पावर 0 1, तो वो प्लस आ जाएगा प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ 2, राइट। प्लस 1 अपॉन, देखिए आप अंदर ही अंदर रख लीजिए पहले पूरा, यहां पर ऐसा भी लिख सकते थे, देखो
आप ऐसा लिखते, पहले रखते 1, तो 2 पावर 1 इज 2 अपॉन लॉग 2, फिर आप रखते 0, तो 2 पावर 0 होता 1, तो माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ 2, राइट। एक तरह से 2 माइनस 1 कितना मिलेगा 1, तो आपको फाइनल आंसर मिल गया 3 बाय 2 माइनस 1 अपॉन लॉग 2, 3 बाय 2 माइनस 1 अपॉन, सॉरी 3 बाय 2 माइनस 1 अपॉन लॉग 2, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, समझ लीजिए कि ये 2 पावर x का कर्व है, लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 कट करते हुए जा रही है, सीधे टू 2 पावर x लिखा तो एक वैल्यू 0 हो सकती है और एक वैल्यू 1, इसके अलावा तो ये वैल्यू बहुत ही अलग अलग मिलेगी, ये दो वैल्यू पॉसिबल थी, आपने इमीडिएटली कर दिया, चाहते तो मेथड से लॉग लेके करते, तो लॉग x प्लस 1 इक्वल टू x लॉग 2, राइट। x की वैल्यू 1 रखने पर ही लॉग 2 इक्वल टू लॉग 2 होता, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन देखते, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझते हैं। कोऑर्डिनेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स एट पॉइंट 22 एंड एक्स एक्सिस। समझिएगा, एक सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसा एक सपोज एलिप्स है, इस एलिप्स पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपने, मान लीजिए एलिप्स है, इस एलिप्स के किसी पॉइंट से आपने टेंजेंट निकाली जो एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, ऐसा ले लीजिए इस पॉइंट पे ये नॉर्मल हो गई, ये मीट कर रही है, ये 2-2 है। अब ये एक जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया बनाना है तो अलग से फिगर बनाते हैं हम, ये सपोज 2-2 पॉइंट है, ये सपोज टेंजेंट हो गई, ये नॉर्मल हो गई, और हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है समझिएगा, कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और जैसे ही निकालेंगे ये एक्स एक्सिस है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम एक्स एक्स वन वाली इक्वेशन यूज करें या फिर हम इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, पैरामेट्रिक से करिए, माइनस 6x अपॉन 10y, अच्छा x और y इक्वल है तो माइनस 3/5 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहीं के लिख लीजिए, नॉर्मल का कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं नॉर्मल का तो 5/3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुई y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3/5 इंटू एक्स माइनस 2, 5y माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, यानी 3x प्लस 5y इक्वल टू 16। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये x एक्सिस पे मीट करेगी तो y 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 16/3, 0। ऐसे ही नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5x माइनस 3y इक्वल टू लेमडा पासिंग 2, तो ये 10 माइनस 6 4, तो लेमडा की वैल्यू 4 आ गई, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4/5। इस पॉइंट इसकी लेंथ अगर देखें तो इस पॉइंट की 2 हो गई, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 2, 0 होंगे। अब एरिया एंगल बताना तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, हाइट इंटू बेस, तो आप लिखते हैं हाफ 2 इंटू 16/3 माइनस ऑफ 4/5, यानी एलसीएम 15 आता, राइट, एलसीएम 15 आता, तो 80 माइनस 12 यानी 68/15, ये कैंसिल, तो करेक्ट आंसर इज 68/15 इज द राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।